recording in progress. जी देखिए, नॉर्मली हम एक हार्ट शेप ड्रॉ कर लेंगे. ये देखिए, मैं अच्छे ड्रॉ कर रही हूँ. ये देखिए, एक मिनट. हमने सूर्य नभागी आयत नंबर 8 लिखेंगे. ठीक है, देखिए यहां से हम शुरू करेंगे. फर्स्ट हम वाव लिखेंगे. नैला अपना जी, हमारा वीडियो आ रहा है आप लोगों को, क्लियरली दिख रहा है क्या? चैट पे बताए प्लीज, ऑडियो ऑन मत कीजिए. देखिए, ये हो गया वाव. देखिए, खा लिखना है. सो इस हार्ट शेप में ही आने की कोशिश करेंगे हम.
जी ये सूरह नबा के आयत नंबर 8 है। सूरह नबा के आयत नंबर 8 जिसका मीनिंग है वी क्रिएटेड यू इन पेयर्स, इस ये हम ऐसा बना के हमारे फ्रेंड्स मतलब किसी भी रिलेटिव्स फ्रेंड्स किसी की भी शादी हो तो हम ये ऐसा फ्रेम बना कर गिफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये बस आप लोगों को शेप में दिखा रही हूँ, मतलब हार्ट शेप में कुछ दिखाना रहता तो ये वाला मैं हार्ट शेप में आप लोगों को इसलिए ये करके दिखा रही हूँ। आप लोग कुछ भी मतलब कौन सा कोई सूरा या कोई आयत सेलेक्ट कर लेके वो भी लिख सकते हैं, नॉर्मली आपको जो पसंद है आप वो भी लिख सकते हैं। मैं बस ये दिखा रही हूँ आप लोगों को। इनका सुर भी ज्वाइन हुए क्या? लास्ट टाइम मेरे को पूछ रहे थे इसके बारे में, एक मिनट। जी अब मैं नीचे ना दूसरा इंक पार्ट हम इससे कर लिए, नेक्स्ट पार्ट मैं दूसरे कलर से करना चाहती हूँ। ये मैं ब्लू कलर ले लूँ। जाल, नेक्स्ट जाल नेक्स्ट वाव, नेक्स्ट
Next, G. थोड़ा यहाँ से भी ले सकते हैं ऐसा है लेकिन जी मैं दिखाने के लिए यहाँ पर हम छोटा सा जीन डाल देंगे बस नॉर्मल आपको जो भी डेकोरेटिव पर्दा है यहाँ पे डाल दीजिए यहाँ पर मैं रेड कलर से डालना चाह रही हूँ ओके देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है कंप्लीट ऐसा दिख रहा है एंड ये है ये देखिए कौन है यहाँ पर ये लिखकर हम यहाँ पर सूरह नबावी बोलकर लिखकर लिख सकते हैं और कुरान बोलकर आयत नंबर ये ऐसा लिख दे सकते हैं ठीक है एंड अगर आप फ्रेम बनाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर दोनों ग्रूम एंड ब्राइड दोनों का नाम लिख दे सकते हैं यहाँ पर एंड वेडिंग डेट ऐसा नॉर्मली एंड अब ये हम ये मतलब ये लाइन जो है ना अरेज कर देंगे ठीक है देखिए बस इतना ही ओके ये वाला कंप्लीट हो गया आप लोग देख लिए ये अब मैं नेक्स्ट दूसरा दिखाना चाह रही हूँ ठीक है ये देख लिए ना आप लोग ओके मैं टर्न कर रही हूँ बस एक मिनट दीजिए